साथियों नमस्कार। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया था उसके लिए हमने आपको एक वीडियो से इन्फॉर्म किया था और उसमें हमने बोला था कि इसका डिटेल एनालिसिस जो है आज आएगा। और आज जो है हमारे देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिसेस निर्मला सीतारमन और जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स फाइनेंस में है मिस्टर अनुराग ठाकुर, इनकी एक लाइव बहुत लंबी परिचर्चा हमारे टीवी के माध्यम से हमको मिली। उस बहुत लंबी परिचर्चा का एक निचोड़ और बिल्कुल इस भाषा में जिससे कि आप समझ जाएं कि ये 20 लाख करोड़ वाला जो घोषणा हुई थी उस घोषणा की क्या वास्तविकता है और कैसे ये 20 लाख करोड़ तक होगा। इस पूरी जो लाइव टेलीकास्ट हुआ था उसके बाद जब पत्रकारों ने सवाल पूछने शुरू किए तो हमारे जो वित्त मंत्री हैं वो जो पत्रकार सवाल पूछते हैं उन्हीं पर उल्टा ये पूछ लेती है, मैं अभी कैसे बता दूं, और इसके अलावा अभी हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है, और जहां उसे ज़्यादा समझ में नहीं आती है वो क्या करती हैं, कहती हैं कि इसका आंसर हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी देंगे। और ये आप आमतौर पर उनकी जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उसमें देखते रहते हैं। वो अभी भी फाइनेंस मिनिस्टर होते हुए वो इस तरह का व्यवहार करती हैं जैसे वो अभी भी किसी राजनीतिक पार्टी की प्रवक्ता हैं, तो उन्हें जो है इस बात की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और उन बातों का जवाब उसी तरह से देना चाहिए जिस तरह से दिया जाना। साथियों ये सारे जो हैं जो भी 20 लाख करोड़ के जो मैंने बताया ये 6.7 लाख करोड़ के जो पैकेज अभी अनाउंस हुआ है उस 20 में से, तो ये घुमा फिरा करके ये सारा पैकेज जो स्कीम्स चल रही थी वही है। और मेरा सोचना यह है कि ये स्कीम नहीं, ये केवल एक और बजट का प्रेजेंटेशन था, वही सारे प्रावधान दोबारा कर दिए गए, कोई भी विशेष सुविधा नहीं दी गई। हाँ इस लॉकडाउन से पहले जो कुछ चीजें थी वो जो वास्तव में जो है गरीबों के लिए की गई थी वो तो की गई हैं, लेकिन नया कोई विशेष फायदा किसी को डायरेक्ट मिलने वाला नहीं है। केवल एक लिक्विडिटी पे ध्यान दिया गया है जिससे इंडस्ट्री को पैसा मिल जाए, लेकिन इसमें यह कहीं पर भी इंश्योर नहीं किया गया कि एक गरीब आदमी को वो पैसा कैसे मिलेगा, क्या इसकी गारंटी होगी, कुछ भी इंश्योर नहीं किया गया। यहां तक कि जो मजदूर अब माइग्रेंट मजदूर जो लेबरर थे अपने पुराने वापस अपने घरों में जा चुके हैं, उन मजदूरों को वापस कैसे लाया जा सकता है, जिन मजदूरों ने इतना कष्ट झेला वो कैसे कैसे करके घर पहुंचे, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत आने वाले सालों में वो वापस उसी कारखाने या उसी इंडस्ट्री में दोबारा काम करने जाएंगे। ये उन कारखाने वालों या उन बिजनेसमैन हाउस या जहां पर भी वो काम करते थे उन काम करने वालों की गलती है कि उन्हें उनका ध्यान रखना चाहिए था, चाहे वो कैसे भी रखते उनको इस बात पे मजबूर नहीं होने देना चाहिए था कि वो वापस जाएं। अब ये इंडस्ट्री के लिए एक लेबर की प्रॉब्लम भी आने वाले भविष्य में होने वाली है। ये 20 लाख करोड़ हमारी GDP का 10% बोला गया है और हमारा जो पूरे साल का जो बजट होता है वो भी इसके इर्द गिर्द ही घूमता है। तो ये 20 लाख करोड़ कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, तो उसके लिए जो आज पहला अनाउंसमेंट हुआ उस अनाउंसमेंट में मैं उन बातों को बताऊंगा जो नई बातें बताई गई। इससे पहले जो अनाउंसमेंट हुए थे RBI के या कई और भी हुए थे उज्ज्वला के, जितने भी पहले अनाउंसमेंट हुए थे उनकी बात मैं थोड़ी थोड़ी बताऊंगा, उसके लिए आपको मेरे पुराने वीडियो देखने पड़ेंगे जिसमें डिटेल से उस बात को समझाया गया। जो नई घोषणाएं हुई थी आज उन सबको मैं आज आपके सामने बहुत ही आसान भाषा में आपके लिए ला रहा हूं। आगे चलते हैं उन डेटास की तरफ, उन आंकड़ों की तरफ जो आज के अनाउंसमेंट में दिए गए। साथियों जैसे कि इस अभियान का नाम आत्मनिर्भर भारत अभियान रखा गया, आत्मनिर्भर भारत अभियान यानी कि अब हमें अपने आप में इतना आत्मनिर्भर हो जाना है, चाहे वो कोई फार्मर हो, चाहे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो सैलरीड हो, चाहे कोई छोटा कर्मचारी हो, चाहे कोई छोटी यूनिट हो या बहुत बड़ा वो हो। ये आत्मनिर्भर बनने से मतलब है हमारे देश में के संसाधनों का प्रयोग करते हुए हमें किसी देश पर निर्भर ना होना पड़े और यहाँ तक कि हमें सरकार पर भी निर्भर ना होना पड़े। और इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने लोकल पे काफी जोर दिया था। लोकल का मतलब स्थानीय रूप से होता है। और इस आत्मनिर्भर भारत अभियान में जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज था उसकी सबसे पहली जो मेरी ऑब्जर्वेशन है ये तीन तरह से मैं इसको डिवाइड कर सकता हूं। सबसे पहला है MSME सेक्टर यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम सेक्टर MSME। इस MSME सेक्टर में बहुत ज्यादा अनाउंसमेंट हुए।
उसके अलावा एनर्जी सेक्टर में काफी, जब से लॉकडाउन हुआ है तब से काफी प्रॉब्लम्स आई हैं, उनके लिए अनाउंसमेंट हुए। एक जो रियल एस्टेट के बारे में भी कुछ अनाउंसमेंट हुआ, और जो चौथा अनाउंसमेंट मेरे हिसाब से जो हुआ, टैक्स के कुछ रूल्स, कुछ डेट एक्सटेंशन या कुछ और बातों पर हुआ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन पुराने अनाउंसमेंट की जो इस अनाउंसमेंट से पहले हुए थे। देखिए, इस अनाउंसमेंट से पहले आरबीआई ने कई सारे अनाउंसमेंट किए थे, जिसमें बैंकिंग के थ्रू, बैंकिंग चैनल से उन सारे जो भी इंडस्ट्री प्रॉब्लम में है उन तक लिक्विडिटी अवेलेबल कराने के बहुत सारे प्रयास पहले की ही किए जा चुके थे। उन प्रयासों के साथ उज्ज्वला के लिए गैस सिलेंडर 3 महीने तक था, 3 महीने और एक्सटेंड कर दिया। प्रधानमंत्री मानधन योजना फार्मर्स के लिए, छोटे आर्टिजन्स के लिए पहले ही CRR के थ्रू, जब CRR डाउन किया गया तो उससे 1,37,000 करोड़ फंडिंग लिक्विडिटी अवेलेबल हो। LTRO में 1,50,00,000 रुपए का, TLTRO में 50,000 करोड़ का, ये जितने टेक्निकल शब्द हैं इसके लिए लिंक में जो वीडियो है आप उसको देख लीजिए। MSF के थ्रू भी 1,37,000 करोड़ का एडिशनल लिक्विडिटी दिया गया, 50,000 करोड़ नाबार्ड, सिडबी और NHB के लिए दिया गया। स्पेशल लिक्विडिटी फंड एक बनाया गया 50,000 करोड़, और उसके लिए जो है, जो इंटेंसिफाइड प्रेशर है बैंकों पर उसको रिलीज करने के लिए अलग से 50,000 करोड़ का दिया गया। इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी, जितने भी बोरोवर हैं उनको और जो इंस्टॉलमेंट है उनको फर्दर 3 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। वर्किंग कैपिटल फाइनेंस के लिए जो मार्जिन का जितना देना था उस मार्जिन को कम कर दिया गया, यानी कम मार्जिन से भी आप वर्किंग कैपिटल फाइनेंस को की फैसिलिटी को ले सकते हैं। RBI को जो स्टेट वेज एंड मीन्स एडवांसेस लेता है उसमें 60% तक की लिमिट दी गई, जिससे अपने स्टेट के कर्मचारियों की वो तनख्वाह टाइम से दे पाए। इन सब के अलावा जो मनरेगा में कुछ जो डेली वेजेस का इंक्रीमेंट हुआ था वो, और 15,000 करोड़ का एक बार दिया गया था, ये सब मिला करके जो पहले अनाउंसमेंट हो गए थे उनके साथ हम नए अनाउंसमेंट के बारे में लाइन से देख। सबसे पहला रिलीफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसमें 1.7 यानी 1.7 लाख करोड़ का रिलीफ पैकेज जारी किया गया, और इसमें जो है जितने भी कोरोना के उसमें काम में लगे हुए हेल्थ वर्कर है उनको 50 लाख का इंश्योरेंस। अब ये 50 लाख का इंश्योरेंस का इस 20 लाख करोड़ से क्या मतलब? बिल्कुल, ये अमाउंट जो भी खर्च होगा ये उसी 20 लाख में से खर्च होगा, अगर होगा तो, क्योंकि ये 50 लाख का जो इंश्योरेंस है तब होगा जब कोई दुर्घटना होती है, किसी की जो हेल्थ वर्कर है उनकी कोई डेथ हो जाती है तभी लगेगा। 80 करोड़ परिवारों को 5 किलो वीट पर पर्सन के हिसाब से 3 महीने तक था, और इसको 3 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया। 1 किलो दाल प्रत्येक परिवार के हिसाब से, 1 किलो दाल अगले 3 महीने तक के लिए प्रति माह के हिसाब से दे दिया गया है। अब ये जो बारीक बारीक फिगर आ रही हैं स्क्रीन पे भी आपको दिख रही है, इनका अगर आप इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करके जाएंगे तो वो एक फिगर बनेगी। इसी तरह ये फिगर बनते बनते हम पहुंचेंगे 20 लाख करोड़ पे। लेकिन ये जो अनाउंसमेंट है ये 20 लाख करोड़ तक नहीं पहुंचता, ये 6 से 7 लाख करोड़ तक पहुंचता है मेरे हिसाब से, और अगले जो अनाउंसमेंट आएंगे वो धीरे धीरे करके और क्या क्या अनाउंसमेंट आते हैं उसके अनुसार बनेगा। 20 करोड़ जनधन खातों में 500 रुपए पर मंथ अगले 3 महीने के लिए। गैस सिलेंडर में उज्ज्वला का मैंने बता दिया, 8 करोड़ गरीब परिवारों को 3 महीने तक, और मनरेगा की जो इंक्रीमेंट है 182 से बढ़ के 202 रुपए हो गई है। एक्स ग्रेशिया का एक अमाउंट दिया गया है जो पुअर सीनियर सिटीजन हैं या पुअर विडोज हैं या पुअर दिव्यांग लोग हैं उनको 1,000 रुपए का एक इमीडिएट, ऐसे 3 करोड़ लोग हैं देश में उनको दिया गया। 15,000 करोड़ रुपए इमरजेंसी हेल्थ रेस्पॉन्स पैकेज के लिए रिलीज किए गए, ये तो आपको जब कोरोना शुरू हुआ था उसी समय हो गया। अब आते हैं MSME के मेजर क्या क्या चेंज किए गए। देखिए, MSME में जो सबसे पहला जो चेंज किया गया, 3 लाख करोड़ के कोलेट्रल फ्री ऑटोमेटिक लोन्स, बिजनेस जो बिजनेस लोन्स हैं वो MSME को दिए जाएंगे। लेकिन मेरा इसमें कहना यह है कि ये फैसिलिटी पहले भी थी CGT MSE के थ्रू,
जो गारंटी होता था वो कोलेटरल फ्री लोन पहले भी मिलते थे। इसके अलावा जो भी कॉरपोरेट कंपनियों को स्टेट्यूटरी कॉम्प्लायंस करने पड़ते हैं, जैसे कोई भी रिटर्न है कितने दिनों तक पहुंच जानी चाहिए, टैक्स में कई सारी और चीजें, लाइसेंस रिन्यू हो जाना चाहिए, उनमें जो रिलीफ दिया गया, सबसे पहली बात जो इनकम टैक्स रिटर्न जो है उसकी लास्ट डेट जो है 30 जून 2020 तक एक्सटेंड हो गई, पहली बात। दूसरा क्या है, जीएसटी रिटर्न की जो फाइलिंग डेट है उसको भी जून एंड तक बढ़ा दिया गया है। 30 जून 2020 तक जो भी कस्टम के क्लियरेंस है वो 24/7 आवर्स तक होंगे, और एटीएम से जो भी आप विड्रॉल निकालते हैं उसमें कोई भी खर्चा अदर बैंक से एटीएम से निकालेंगे तो अगले 3 महीने तक कोई भी खर्चा नहीं लगेगा। 15 मई 2020 तक जो मोटर व्हीकल एंड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसके पेमेंट के लिए आदेश दे दिए गए हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल जो मीटिंग्स होती हैं उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू करना, उसमें वोट करना, ये भी अलाउ कर दिया गया है। जो कंपनियों को मैंडेटरी एक बोर्ड मीटिंग करनी होती थी उसको 60 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है और वो 30 सितंबर तक अब वो कर सकते हैं। जो 3 लाख करोड़ के एमएसएमई को जो लोन्स दिए गए हैं उसके जो फीचर हैं उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन टू बिजनेस, यानी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन का मतलब होता है इमरजेंसी कोई लोन दे देना, और वो जो है 20% जो भी उसकी आउटस्टैंडिंग है उसका 20% इमीडिएट दी जाएगी, और ये आउटस्टैंडिंग 29 की देखी जाएगी, उस दिन जो उसमें आउटस्टैंडिंग थी उसका 20% उसे इमीडिएट फाइनेंस कर दिया जाएगा। और ये जो लोन होगा 25 करोड़ तक के जो आउटस्टैंडिंग वाले बोरोवर हैं और जिनका जो है टर्नओवर 100 करोड़ तक है उनके लिए है, और जो लोन है वो 4 साल का जो लोन है उसमें 12 महीने का एक टेनोर भी लिया गया है इसी लोन के लिए, और इंटरेस्ट को एक लिमिट में रखा गया है। 100% क्रेडिट गारंटी कवर टू बैंक्स एंड एनबीएफसी ऑन प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, यानी कि उसको पूरा पूरा वो सिक्योर्ड है, अगर वो डिफॉल्ट हो जाता है तो जो भी फाइनेंस करेगा उसको मिल जाएगा। और ये स्कीम जो है 31 अक्टूबर 2020 तक के लिए की गई है, इसमें कोई भी नया कोलेटरल नहीं लेना है, ना ही कोई गारंटी देनी है। ऐसा करने से 45 लाख यूनिट को बेनिफिट होगा जो कि एमएसएमई सेक्टर में काम कर, जो 20,000 करोड़ जो सबऑर्डिनेटेड डेट के लिए बात हुई थी वो उनके लिए हुई थी जो एमएसएमई यूनिट स्ट्रेस में है, उनके लिए 20,000 करोड़ का प्रोविजन किया गया है। और ये जो है ऑलरेडी जिनके अकाउंट्स एनपीए चल रहे हैं या स्ट्रेस में है उनके लिए, और इसमें गवर्नमेंट जो है 4,000 करोड़ का जो है सीजीटीएमएससी को प्रोवाइड कराएगी क्योंकि उनकी गारंटी सीजीटीएमएससी लेता है। सीजीटीएमएससी प्रोवाइड पार्शियल क्रेडिट गारंटी सपोर्ट टू बैंक्स, इसका मतलब हुआ कि वो जो है जो भी बैंक वो फाइनेंस करेंगे उसमें पार्शियल सपोर्ट सीजीटीएमएससी करेगा। जो 50,000 करोड़ हम इक्विटी में इन्फ्यूजन की बात कर रहे थे उसमें क्या है, एक फंड ऑफ फंड्स बनाया है जिसमें 10,000 करोड़ है उसको सेटअप किया जाएगा, और उसको एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, इस तरह करते करते उसको ओवरऑल 50,000 करोड़ बोला हुआ, लेकिन इमीडिएट सपोर्ट जो है अभी 10,000 करोड़ का दिया गया है। एमएसएमई की न्यू डेफिनेशन आ गई है, उस डेफिनेशन में अब जो है इन्वेस्टमेंट के साथ टर्नओवर का भी क्लॉज जोड़ दिया गया है, और इन्वेस्टमेंट जो है माइक्रो के लिए 1 करोड़ का, और जो स्मॉल इंटरप्राइजेस हैं उनके लिए 10 करोड़ का, और मीडियम के लिए 20 करोड़ का है। तो ये बात हमने करी केवल इन्वेस्टमेंट की, जहां तक टर्नओवर की बात करते हैं तो 5 करोड़, 10 करोड़ और 100 करोड़ इसके लिए भी एक नया वीडियो हमने बना दिया है, डिटेल में आप उसमें देख लीजिए। जो एमएसएमई की न्यू गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग अभी हमने चर्चा कर ली थी, वो एक बार आप इस चार्ट में फिर देख सकते हैं, मैंने बहुत आसानी से आपको समझा दी थी। 200 करोड़ के टेंडर के लिए अब ग्लोबल जाना, जो पहले मैंडेटरी था कि आप ग्लोबल से भी आप यूनिट को बुलाएंगे, वो अब मैंडेटरी वाला ऑप्शन हटा दिया गया है। इसका मतलब ये है कि इंडिया की जो फर्म है उनको मिलने के ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। कोरोना की वजह से जो हमारे एग्जीबिशन और फेयर लगते थे वो अब नहीं लग पा रहे हैं, तो वो लिक्विडिटी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो ई मार्केट लिंकेज की एक स्कीम्स और उसको प्रमोट करना, कैसे वो ई मार्केट से बिके ऐसा प्रमोट करने के लिए प्रोविजन किया गया। एमएसएमई को अगर गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं उनसे कोई भी पेमेंट होगा तो उसको 45 डेज में पेमेंट करना पड़ेगा। ये एमएसएमई एक्ट में पहले से ही इस तरह के प्रावधान थे। जो 25,000 है ईपीएफ का जो सपोर्ट है वो बिजनेस और उसके जो वर्कर हैं उनको 3 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है,
और ये जो सपोर्ट है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में 12% एम्प्लॉयर देता था और 12% एम्प्लॉय देता था, तो ये जो कंट्रीब्यूशन, दोनों कंट्रीब्यूशन जो है ये इस समय गवर्नमेंट बियर करेगी। ये प्रोविजन पहले पिछले जो 3 मंथ थे मार्च अप्रैल मई में उसमें भी और आगे फिर 3 महीनों के लिए और बढ़ा दिया गया है। इससे 3.67 लाख जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनको फायदा मिलेगा, साथ में 72.77 लाख जो उसमें एम्प्लॉय हैं उनको डायरेक्ट फायदा मिलेगा। 6,750 करोड़ ये एक तरह से लिक्विडिटी अवेलेबल कराएगा, क्योंकि इसमें जो 12% पहले आपका वो कटता था पीएफ, वो अब मैंडेटरी ना होकर के 10% पे कर दिया है। तो इससे जो 2% कम कट रहा है उससे कुल मिला के जो एम्प्लॉय है उनके पास 6,750 करोड़ एडिशनल आएंगे, एक तरह से एडिशनल लिक्विडिटी मिलेगी। जो ऑर्गेनाइजेशन सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं या कोई पीएसयूज हैं उनके लिए ये स्कीम नहीं है, इनको बोला गया है वो अपना 12% कंट्रीब्यूशन करते रहेंगे। और अदर देन इनके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए ये स्कीम आई है, जो ये 12% का जो हुआ है। और ये जो स्कीम है जिन एम्प्लॉय को 24% का सपोर्ट नहीं मिलता है उनको गरीब पीएम गरीब कल्याण पैकेज के द्वारा इस स्कीम को दिया जाएगा। 30,000 करोड़ एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए अलग से एक स्पेशल लिक्विडिटी प्रोग्राम लाया गया है, जिससे उनको फंडिंग अवेलेबल कराने में फंड की दिक्कत ना हो। और ये जो फंड उनको अवेलेबल कराया गया है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फुल गारंटी ले रखी है, जहां से भी प्रोवाइड कराएगी उसको पूरी गारंटी देगी। 45,000 करोड़ की पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम जो एनबीएफसी के लिए लॉन्च की गई है, जिसमें पहला जो 20% का लॉस होगा उस एनबीएफसी को वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी से कवर होगा, अगर उससे ज्यादा लॉस होता है तो वो एनबीएफसी को खुद बियर करना पड़ेगा। जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसके लिए 90,000 करोड़। अब ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जिसको डिस्कॉम्स बोलते हैं, उसका क्या है कि जब लिक्विडिटी नहीं थी बाजार में तो कई लोगों के बिल नहीं आए उनके पास, अब उनके पास बिल नहीं आए तो जो सप्लायर है पावर प्रोड्यूसर है उनको नहीं दे पाए, तो उसके लिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 90,000 करोड़ का जो प्रोविजन किया गया है। जो रेरा रियल एस्टेट रेगुलेटिंग एजेंसी, जो रेरा में जो रजिस्ट्रेशन होता था उसके लिए जो है 6 मंथ का एक एक्सटेंशन दे दिया गया है कि अभी आपका अगर काम नहीं हो पाया तो आप उसको प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। रेरा के अंदर जो रियल एस्टेट के जो प्रोजेक्ट थे जिनका जो कंप्लीशन डेट पूरा हो रहा था उनको एक्सटेंशन दे दिया गया है, और जो एग्जिस्टिंग जो एक्सपायर कर रहे थे 25 तारीख और उसके बाद वाले ये उनको एक्सटेंशन मिला हुआ है, और जो फ्रेश प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो इसी टाइमलाइन में ऑटोमेटिकली जो है वो रिवाइज्ड हो जाएंगे। जितने भी कॉन्ट्रैक्टर जिन्होंने गवर्नमेंट में या कहीं पर भी कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है CPWD में, रोड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन में या रेलवे में, उसमें अगर उनका वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया था तो उनको 6 महीने का नया एक्सटेंशन यहां मिल गया है। 5 लाख तक के जो भी रिफंड है 14 लाख टैक्स पेयर के वो इमीडिएट रिलीज करने के ऑर्डर दे दिए गए। स्पेशल रिफंड एंड ड्रॉबैक डिस्पोजल ड्राइव, ड्रॉबैक का मतलब होता है जो गवर्नमेंट को हमने दे दिया है वो हमको वापस लेना है, जैसे TDS है या कोई एक्साइज का कोई है या GST का कोई भी चीज है, ठीक है। उसके अलावा 18,000 करोड़ रुपए का जो रिफंड है वो दोनों मिला करके जो टैक्स का है और ये GST या जो ड्रॉबैक का है ड्यूटी ड्रॉबैक का, उसमें TDS और TCS में 25% अब कम कटेगा, जिससे क्या होगा आपको 10% देना था तो अब 25% कम लगेगा यानी कि 7.5% लेंगे। और ऐसा करने से जितने भी TDS पेयर है इसमें टैक्स की माफी नहीं है, ये आपको इनकम टैक्स रिटर्न करते समय देना पड़ेगा, लेकिन 50,000 करोड़ का सरप्लस आएगा वो इस फंड को कहीं पर यूज कर पाएंगे। ये जो TDS का डिडक्शन 25% का है ये फायदा किसी भी सरकारी कर्मचारी या सैलरीड के लिए नहीं है, सैलरीड के लिए जो TDS का रेट है वही TDS के रेट से टैक्स अभी TDS कटेगा। टैक्स ऑडिट का जो 30 सितंबर का डेट था उसे बढ़ा के 31 अक्टूबर कर दिया गया है। डेट ऑफ असेसमेंट जो होता है 30 सितंबर होता था उसको बढ़ा करके 31 दिसंबर तक कर दिया गया 2020 तक, और जो 31 मार्च को था उसको बढ़ा करके 30 सितंबर
अक्टूबर 2021 तक कर दिया गया। विवाद से विश्वास स्कीम जो टैक्स के जो कंप्लायंस थे जिसमें कोई डिस्प्यूट थे उसकी जो डेट बढ़ा करके 31 दिसंबर 2020 कर दी गई। जो एनबीएफसी रियल एस्टेट सेक्टर को फाइनेंस करते थे उनके जो प्रोजेक्ट हैं जो कॉमर्शियल ऑपरेशन के जो प्रोजेक्ट हैं उनको फर्दर एक साल का समय और दे दिया गया, यानी कि एक साल बाद भी अपने प्रोजेक्ट को शुरू कर सकते हैं जहां उन्होंने फंडिंग करी हुई। दोस्तों ये आपको जानकारी कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि बेल आइकन अगर आप नहीं दबाते हैं तो आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाता। थैंक यू वेरी मच।